अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो सारे भाई लोग, ठीक हो? उम्मीद करता हूँ सारे ठीक होंगे। तो आज की गेम प्ले यार बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। तो इवेंट पे आपका भाई उतरता है तो उतरते साथ ही मुझे मिल जाती है गन। तो जैसा कि हम उतरते साथ ही जब गन मिल जाए तो हम कर देते हैं पुश। तो ये बंदा एक मुझे नज़र आता है, ठीक है, इसको करता हूँ डाउन। उसके बाद ना इसका दूसरा बंदा भी बाहर भाग रहा होता है। आगे भी बंदे देखेंगे किधर किधर हैं छुपे हुए, ठीक है। इधर वैसे तो बहुत ही आवाम उतरती है, उसके साथ ही ना जिन जिन को गन नहीं मिलती वो तो भागते हैं इधर से, ठीक है। तो ये दो भाई भी ऐसे ही होते हैं, इन दोनों को गन नहीं मिलती तो हम इनको करते हैं फिनिश, ठीक है। उसके बाद ना इससे आगे वाली साइड पे जाऊंगा मैं। तो उधर आपने देखना है कि दो बंदे बैठे होते हैं कैंप करके, तो उनके साथ कैसी ही अच्छे वाली फ़ाइट होने वाली आपने चेक करना है। और चैनल पर न्यू है तो लाइक सब्सक्राइब लाजमी करो, 1K होने वाले हैं आपके भाई के, ठीक है। तो इन्जॉय करो यार वीडियो को और स्किप मत करना क्योंकि बड़े मज़ेदार होने वाली है वीडियो। और सेंसिटिविटी वाली वीडियो भी मैंने अपलोड की हुई है, वो भी आप जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। और जो जो भाई कोड उसका ना चेक कर लो अगर लग रहा है, ठीक है, वरना मुझे कमेंट में आप बता दो तो मैं आपको ना सेंड कर देता हूँ, ठीक है। तो इस अब देखना आप इधर दो बंदे जो कैंप कर रहे होते हैं उनके छोटे कैसे उतरते हैं आपने देखना है, ठीक है। तो मैं इधर से जा रहा होता हूँ ना, है मुझे साउंड आता है ऊपर दो बंदों का फुटप्रिंट आप देख रहे होते हो, इधर कैंप कर रहे होते हैं ये अच्छे वाला, ठीक है। तो मैं ना इधर से ऊपर जाता हूँ तो एक बंदा मुझे सामने आता है, इसको मैं करता हूँ डाउन, ठीक है। उसके बाद दूसरे को भी करूँगा डाउन, आपने उसको भी देखना है, ठीक है। तो इधर ना पीछे होता है, मैं फ्री फायर देता हूँ, फ्री फायर में आ जाता है ये, तो इसको भी डाउन करता हूँ। उसके बाद दोनों को करूँगा फिनिश, इनको ना लॉबी पहुँचाऊँगा। उसके सामने फिर इधर गर्म वाली साइड भी बंदे बड़े उतरते हैं, जो मतलब है इधर जो जिनको गन नहीं मिलती वो भाग जाते हैं इधर गर्म वाली साइड पर। तो इधर भी एक देखना बैठा होता है स्पेरा सामने, उसको मैं स्पॉट कर लेता हूँ, ठीक है। ऊपर डेंजर भी आ रहा है, इसका मतलब ये होता है कि इधर ना बंदे होते हैं, ठीक है। तो आपके भाई ने इधर इसको कैसे ही डाउन करना चेक करो ज़रा, मैं होल्ड करके ना देख रहा होता हूँ को वो पीक शीक दे तो मैं उसको करूँ डाउन, पर वो बंदा ना बिल्कुल सामने आने का नाम ही नहीं ले रहा। तो इसके बाद ना मैं करूँगा पुश इस पर, मैं अपने टीम मेट को भी बता रहा होता हूँ कि इधर बंदे हैं यार, इसका कुछ करो वरना ये कैंपर हमें ले जाएगा। तो ये बंदा हल्की सी पीक देता है, इसको आपका भाई करता है डाउन। उसके बाद ना स्पाइडर की शक्तियाँ लगा के मैं सीधा कर देता हूँ पुश इस पर, ठीक है। तो मेरा टीममेट ग्रेनेड भी करवाता है तो उस ग्रेनेड से मुझे ही डैमेज हो जाता है। मैं उसको बोलता हूँ क्या ही बात है मेरे टीममेट की। तो ऐसे टीममेट जिन जिन के हैं उनको तक वीडियो ना आप शेयर किया करो, तो उनको बताया करो कि मेरा भी हाल आपके जैसा ही है, ठीक है। तो उसके बाद ना हम इधर से निकलते हैं थोड़ा सा आगे, सामने घरों पे भी होते हैं बंदे। तो एक भाई को मोली लगी होती है मेरे टीममेट की, पर किल मैं ले जाता हूँ उसको ना। तो एक सामने एक और बंदा आता है, वो इधर ग्रेनेड करवाता है, उसके साथ ही ना मैं उसको देख लेता हूँ। वो घर के अंदर खिड़की में देखो आपने उसको डैमेज देने की ट्राई की, पर मेरा टीममेट नेट से उसको क्या ही फाड़ता है। तो उसके बाद ये जो आ रहा होता है ना इसको आपका भाई कर देता है फिनिश, तो ये एरिया हो जाता है क्लियर। उसके बाद हम इनके करेंगे मज़े से लूट, क्योंकि पहले तो हम कर रहे होते हैं बंदे किल शिल, तो उसमें ना लूट थोड़ी कम ही मिलती है, जो जो चीज़ मतलब जो भी मिली उठा ली बस ऐसे ही। तो इनकी पेटियों में से ऐसे लूट निकलती है ना जैसे ये पूरे लेवी की मतलब लूट करके आए होते हैं, ठीक है। उसके बाद मुझे एक बंदा इधर स्पॉट होता है, वो भाग रहा है मेरी से, ठीक है। तो मेरे पास होता है स्पाइडर तो मैं उसको स्पॉट कर लेता हूँ इधर ऊपर चढ़ के, तो उसको क्या ही गंदे वाला ऐड पड़ता है, ये हो जाता है डाउन, ठीक है। उसके बाद मैं सीधा कर देता हूँ इस पर पुश, इसको ना ज़रा मुक्के शुक्के करवाऊँगा क्योंकि इसने मुझे बड़ा भगाया है इवेंट से ले के इधर तक। ये बंदा भागता ही आ रहा है, पता नहीं क्या सीन है, इसको क्या ही हो गया था या इसका कुछ चक्कर चल गया था, ठीक है। इसको मैं कराता हूँ इधर मुक्के शुक्के, ज़रा फिस्ट करवाऊँगा इसको। उसके बाद ना मैं इसकी लूट शूट करूँगा, मगन हो जाऊँगा लूट में। तो उसके बाद ना हम निकलेंगे आगे वाली साइड पे, तो आगे भी होते हैं बंदे तो आपने चेक करना है। उधर ना रिकॉल वाले जो मिड स्टेन वाला रिकॉल है उधर मैं जाके ना देखता हूँ ऊपर से एक बंदा रिकॉल कर रहा होता है, तो मैं ऊपर देखता होता हूँ कि रिकॉल जब करेगा तो बंदे मारूँगा, पर ये ना मुझे एक ही बंदा नज़र आता है, इसको मैं करता हूँ डाउन। उसके बाद करूँगा फिनिश, ठीक है। उसके बाद मैं अपने टीममेट को बोलता हूँ इधर आ जाओ, शायद बंदे रिकॉल हुए हैं, तो वो बंदे मेरे ख्याल में मिड स्टेन में ही चले जाते हैं, ठीक है। तो इधर बंदों से फाइट हो जाती है मेरी टीममेट मेरी। इधर आपके भाई ने क्या ही 4x बैरल से इसको डाउन किया है, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट पे सीन होता है ना वो आपने चेक करना है, आपका भाई भी रिकॉल वाली जो होती है ना जगह उसके ऊपर चढ़ जाता है, ठीक है। तो नीचे आप देख रहे हो ये घोड़े वगैरह फिर होते हैं, तो एक बंदा मुझे स्पॉट होता है, इसको मैं करता हूँ डाउन। तो ये घोड़े वाला इसी का टीममेट होता है, ये पीछे जाके ना रुक जाता है।
तो रुक के ना ये होल्ड करेंगे इधर, तो आपने देखना है इधर दो तीन बंदे मैंने कैसे डाउन किए होते हैं। तो एक बंदे को मैं नाक फिनिश दे चुका होता हूँ, ठीक है। इसके इन टीम के रह जाते हैं तीन बंदे, तो दो बंदे आपने देखने हैं इधर मैं कैसे डाउन करता हूँ। एक बंदा मेरे सामने स्पॉट होता है, इसको मैं करता हूँ डाउन। उसके बाद में इधर एक बंदा होता है, इसको भी करता हूँ डाउन। तो डाउन करने के बाद हम में आ जाती है पावर, क्योंकि हमने किए होते हैं तीन बंदे डाउन इसके, तो उन पे कर देंगे पुश। मैं अपने टीममेट को भी बोलता हूँ तुम भी करो पुश उधर से, मैं भी करता हूँ पुश। तो एक बंदा इसने इसको डैमेज अच्छे वाला दिया होता है, तो आपका भाई उसका भी लास्ट वाले का भी किल ले ही लेता है, ठीक है। तो इधर ये हो जाता है हमारा चिकन डिनर, और अगली वीडियो तक दें इजाज़त। अल्लाह ने के बान, खुदा हाफिज़।